हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ परफेक्ट दाल खिचड़ी कैसे बनाते हैं वो रेसिपी शेयर करूंगी। और ये दाल खिचड़ी थोड़ी सी स्पेशल है, इसमें विंटर की सारी सब्जियां मैंने डाली है ताकि बच्चों को हम मैक्सिमम न्यूट्रिशन दे पाए एक पॉट हेल्दी मील में। और ये खिचड़ी थोड़ी सी स्पेशल भी है क्योंकि हम नॉर्मल मूंग की दाल की खिचड़ी से खिचड़ी बनाते हैं, आज हम अरहर की दाल से खिचड़ी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खिचड़ी बनाना। उसके लिए हमने क्या करा है, मैंने वन पार्ट अरहर दाल लिया है और वन पार्ट ही मैंने चावल लिए हैं। दोनों इक्वल पार्ट में लीजिएगा। ये जो अमाउंट मैंने लिया है ये चार लोगों के लिए सफिशेंट रहता है। और जो चावल लिए ना वो भी छोटे वाले लिए हैं क्योंकि खिचड़ी ना थोड़ी मशी मशी ही अच्छी लगती है, तो लॉन्ग बासमती राइस इसमें इतने अच्छे नहीं चलते हैं। अब ये सारे चावल और दाल को हमने 20 मिनट तक भिगो लिया है। चलिए जब तक अपनी सब्जियां काटते हैं, मैंने यहाँ गाजर और बीन्स लिए हैं छोटी छोटी, टमाटर लिए, फ्रेश मटर और थोड़ा सा पालक लिया है। मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को जितनी वेजिटेबल्स एक पॉट में दे देना उतना बढ़िया है। अब हम एक कुकर लेंगे और उसमें हमने हमारे दाल और चावल जो है 20 मिनट भिगो के अच्छे से वॉश करके वो डालेंगे। उसके बाद उसमें हम अपनी सारी सब्जियां डालेंगे, जितनी वेजिटेबल्स आपको मिले। हाँ, गोभी तो उसमें थोड़ी अच्छी नहीं लगती है तो गोभी अवॉइड करिएगा। बाकी ये जो वेजिटेबल्स मैंने लिए हैं वो डाल लीजिए। आप प्याज भी डाल सकते हैं, मैंने आज बिना प्याज की बनाई है। इसमें पानी कितना डालेंगे, देखिए पुलाव के लिए तो ना तो हम फिंगर के एक लाइन तक करते हैं, इसके लिए आप फिंगर की 2 लाइन तक डालिएगा। और इसके साथ साथ इसमें हल्दी और नमक डाल लीजिएगा। हल्दी और नमक डालने के बाद इसमें मेरी एक छोटी सी टिप है, आपने यूजुअली ऑब्जर्व किया होगा जब भी हम खिचड़ी बनाते हैं ना तो वो कुकर से सारी फैल जाती है बाहर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आधा चम्मच देसी घी कुकर में डालेंगे और इस तरीके से देखिए कुकर के लिड में जो सीटी वाली साइड होती है ना उस पर भी देसी घी लगा दीजिएगा। एंड आई गारंटी यू अब आपकी स्लैब और गैस गंदी नहीं होगी जब ये सीटी मारेगा। तो चलिए यहाँ पे हमने एक सीटी फुल पे ली है। उसके बाद हम 10 से 15 मिनट सीटी लेंगे मीडियम फ्लेम पे, अपने ही स्टीम में उसे पकने देंगे। और लीजिए हमारी गर्मा गर्म मस्त मसाला दाल वेजिटेबल खिचड़ी बन के तैयार है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मैंने हल्की सी हल्दी कम डाली थी इसलिए ये लाइट येलो कलर की बनी है, आप थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो डार्क येलो कलर की बनेगी, बट ये बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही न्यूट्रिशियस है। अब इसको हम गार्निश करेंगे धनिए से। और इसमें बारी आती है तड़का लगाने की। तड़का आज थोड़ा स्पाइसी वाला लगाएंगे, तो इसके लिए हमने क्या करा है, हमने एक घी को ले लिया है। घी में हम अपना हींग डालेंगे। घी में हींग डालने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा को ज़्यादा मत जलाइएगा, लाइट ब्राउन होने तक ही रखिएगा। और यहाँ पे मैंने होल कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इससे ना एक अलग ही फ्लेवर आ जाएगा आपकी खिचड़ी में, तो ये ज़रूर डालिएगा। और उसके बाद हमने गैस बंद करके इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी है एक बहुत ही ब्यूटीफुल रंग के लिए। और लीजिए अपनी मसाला खिचड़ी बिल्कुल बन के तैयार है। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत यमी बनती है। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुँह में पानी आ रहा है ना देख के, खा के देखिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।